हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज़्ज़ा, वो भी माइक्रोवेव में। तो चलते हैं हम अपने रेसिपी की तरफ। ये हमने यहाँ पर ये ब्रेड ली है और ये पिज़्ज़ा सॉस लिया है, हमने फन फूड का लिया है, आप जिस भी कंपनी का चाहें ले सकते हैं। और ये हमने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं जो कि इस तरीके से हैं। एक हमने इसमें शिमला मिर्च ली है, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और एक बड़े साइज़ का टमाटो लिया है। उनको हमने काट करके ये बाउल में निकाल लिया है। अब हम अपने ये पिज़्ज़ा रेडी करते हैं। ये सॉस जो है इसको हम ये ब्रेड्स पे ऐड कर लेंगे। अभी जो वेजिटेबल्स हैं इनको भी हम इस पे ऐड कर देंगे। इस सब्जियों को हमने इस पे ऐड कर दिया है। हमने ये मोज़रेला चीज़ लिया है, इसको भी हम इन पर ऐड कर देंगे। ये चीज़ को भी हमने अच्छे तरीके से इस पर ऐड कर दिया है। अब हम इनको अपनी ये माइक्रोवेवल जो प्लेट है इस पर रख देंगे। अब हम अपनी इस प्लेट को माइक्रोवेव में रख देंगे। देखिए हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट हो रहा है। हमने इसको कन्वेक्शन पे 210 डिग्री पे 3 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। अभी प्रीहीट हो रहा है। अब ये हमारा माइक्रोवेव जो है प्रीहीट हो चुका है। अब हम अपने ये प्लेट को माइक्रोवेव में रख देंगे। ये हमने अपनी हाई रेक ली है, इस पर इसकी अपनी प्लेट को रख दिया है और इसको माइक्रोवेव में रख दिया है। अब हम इसको कर देंगे बंद। अब इसको कर देंगे स्टार्ट। एक कन्वेक्शन मोड पे 200 डिग्री पे जाकर के इसको हमने टेम्परेचर को सेट कर दिया है। अब इसको कर देंगे, हम इसको कन्वेक्शन पर ही करीब 7 मिनट पकाएंगे। देखिए हमने इसको 7 मिनट की ये सेट कर दिया है, इसको स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा माइक्रोवेव स्टार्ट हो चुका है। हम इसको 7 मिनट के बाद चेक करेंगे। देखिए ये हमारे माइक्रोवेव को 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये गर्म है, इसको ध्यान से निकालें। ये हमने इसको कपड़े की हेल्प से पकड़ के बाहर निकाल लिया है। देखिए हमारा चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो चुका है और हमारे ये पिज़्ज़ा जो है बन करके रेडी हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट पर। अब हम इस पर थोड़ा सा ओरिगेनो ऐड कर देंगे। ये थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। और ये थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड कर देंगे। इनको कर लेंगे कट। ये पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से हम इनको काट लेंगे। हमने इनको काट लिया है। अब देखिए कितने बेहतरीन से हमारे ये ब्रेड पिज़्ज़ा बन करके रेडी है। इसी तरीके से हम अपने सारे ब्रेड पिज़्ज़ा जो है उनको बना करके रेडी कर लेते हैं। देखिए हमने अपने ये सारे ब्रेड पिज़्ज़ा जो है उनको बना करके रेडी कर लिया है।
इस रेसिपी को आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में लिख करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। बाय, अल्लाह हाफिज़।